वेलकम फ्रेंड्स, चैनल कनेक्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं ऐसा करता हूँ, आप कुशल होंगे, मैं अभय कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो समय है वो घर में रह के, घर में बैठ के स्वाध्याय करने का है, तो आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ और अभी भी निवेदन कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा जब तक कि पैंडेमिक की जो कोविड का समय है जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपसे मैं निवेदन करता रहूँ, कृपया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, कोई प्रोटोकॉल को माने और घर पे रह के सेल्फ स्टडी करें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। दोस्तों, ये चैन गाइड आईएएस है और चैन गाइड आईएएस की तरफ से आपको अभी हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो ये क्लास है वो एनसीईआरटी सेक्शन का है, इससे और भी बहुत सारे क्लासेस जैसे करंट अफेयर्स है, बीपीएससी स्पेशल, जो स्टेट पीसीएस होते हैं उसके स्पेशल क्लास यहाँ पे चलाई जा रही है, आर्टिकल्स की क्लासेस होने वाली है, तो आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैन गाइड आईएएस टाइप कीजिए यूट्यूब पर, उसको जाकर चैन गाइड आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्लास के रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन मिलेंगे और भी कुछ सूचना अगर हमें देना हो इन्फॉर्मेशन तो इसी इसी के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये काम आप जरूर कीजिएगा। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इन्होंने कर दिया उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो नए जुड़ रहे हैं स्टूडेंट्स अभ्यर्थी, उनको मैं कहना चाहूंगा तो सबसे पहले जाके चैनल आईएस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि अभी आप प्रेजेंट एट प्रेजेंट देख रहे हैं, तो अभी क्यों नहीं आप सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को पर्सनलाइज कर दीजिएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे और तैयारी करते रहिए। ये जो सेशन है आपको पता है कि अभी हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी हमने कवर कर ली है। अभी क्लास 8 की एनसीईआरटी कवर की जा रही है और चैप्टर 4 हाल ही में कल मैंने अपडेट कर दिया था, जो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चैप्टर 4 हमने कवर कर दिया है क्लास 8 की। आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, अध्याय 5, जिसका शीर्षक है जब जनता बगावत करती है 1857। उसके बाद मतलब 1857 की क्रांति की भूमिका हम पढ़ेंगे, क्या कारण थे जो जिसके कारण ये क्रांति शुरुआत हुई, क्रांति का बिगुल फूका गया और उसके बाद क्या परिवर्तन होते हैं, इसकी बात हम करने वाले हैं आज। तो आप इसके लिए तैयार रहे, जिन अभ्यर्थियों ने भी इस क्लास को नहीं देखा या इससे पहले के क्लास को वो नहीं देख पाए हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो चैन गाइड आईएएस में जाए, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको एनसीईआरटी का सेक्शन मिलेगा, उसको आप पूरा कवर कर ले, आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी। ये मत सोचना कि अभी यहाँ से क्लास करने से क्या फायदा, इससे तो पीछे हमने पढ़ा नहीं, इस मनो स्थिति को आपको अपने दिमाग से निकालना होगा, मनोस्थिति से बचना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो इसी कारण से अपना स्टडी नहीं पूरा कर पाते, सोचते हैं कि शुरुआत से ही पढ़ेंगे बीच से क्यों पढ़े। ये आप निकाल दीजिए दिमाग से, समझने की जो स्थिति में आप होंगे जरूर। एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी जो है अभी क्लास 8 की एनसीईआरटी आपके लिए ज्यादा दुर्गम ये चीज नहीं है, ज्यादा ये बहुत सुबोध भाषा में, सरल भाषा में सुबोध है, समझने में आसान है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। आपने नहीं देखा है तो फिर आप सेक्शन में जाके एनसीईआरटी की वीडियो में देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स क्लियर आपके हो जाएंगे। फिर भी अगर दिक्कत है तो हमको कमेंट कीजिए ना, आपके लिए बैठे हुए हैं, यानी कि पूरी टीम निष्ठा से आपके लिए लगी हुई है, 24x7 हम आपके लिए उपलब्ध है। आपको कोई सवाल करना है हमें मेल कीजिए, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉलिंग नंबर आप कॉल करके पूछ सकते हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, रिगार्डिंग किसी भी जनरेशन के लिए, तो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, ये काम आप कर सकते हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, आप इतने समझदार तो जरूर। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो शुरू करता हूँ। हम आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 5, शीर्षक है जो जनता बगावत करती है 1857 उसके बाद। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले जो चैप्टर 4 है उसमें जनजातीय लोगों के बारे में पढ़ा था, जनजातीय परंपराओं के बारे में पढ़ा था हमने कि जनजाति जो है, जनजातीय लोग जो है, सॉरी जनजाति जो है, जनजाति क्षेत्र में किस प्रकार जो है अंग्रेज अंग्रेज से पहले जनजाति लोग के क्या क्रियाकलाप हो रहे थे, जनजातियों का जीवन पहले था किस प्रकार था, मतलब अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, ब्रिटिश कंपनी के जनजाति क्षेत्र में आने से पहले हम देखेंगे कि आखिर ट्राइबल लोग जीते कैसे थे, जनजाति जो लोग थे विभिन्न भारतीय उपमहाद्वीप में उनका जीवन कैसा था, जब अंग्रेज आ जाते हैं उसके बाद फिर इनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, उसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप अध्याय 4 इसका पढ़ लेंगे इस चैप्टर को कवर करने के बाद। तो आज हम ये नया टॉपिक शुरू करते हैं, तो देखते हैं। देखिए, पहला जो शुरुआत है पिक्टोरियल से, पिक्चर से, इसको देखिए। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। उत्तर भारत में 1857 की क्रांति की बात की जाएगी। यहाँ एक फिगर बनाया गया है, पिक्चर को ध्यान से देखिए। युद्ध में हाथी घोड़े ऊंट का प्रयोग किया गया है और बैलगाड़ी भी आपको दिखाई दे रही थी। एक प्रकार का उस वक्त युद्ध का एक सिचुएशन बना हुआ है, सैनिक है, विभिन्न प्रकार के झंडे लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं और ये युद्ध के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, 1857 के क्रांति में ये शामिल हो रहे हैं। अब आगे बात करते हैं नीतियां और लोग। नीतियां संबंध है औपनिवेशिक नीतियां जो ब्रिटिश कंपनी ने बनाई थी, और लोग मतलब हम लोगों के ऊपर जो भारतीय लोग बनाई गई थी, जिन पर भारतीय देश के जो लोग हैं उनके ऊपर जो बनाई गई थी नीतियां, उनकी बात यहाँ पर हो रही है।
पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। आपको मैंने ब्रिटिश काल के बारे में थोड़ी सी आपको झांकी जरूर है, चैप्टर 4 में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 3 में पढ़ लीजिएगा, और एनसीईआरटी में हम थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको डीप जब पढ़ना होगा तो उसके लिए मैं स्पेसिफिक टॉपिक पर जाएंगे, तब आपको बताएंगे। अभी आप एनसीईआरटी को ही दिमाग में रखिएगा, ज्यादा सवाल आपके मन में आए उसके लिए हम स्पेसिफिक टॉपिक आएंगे, उसमें आप क्लियर कर लीजिएगा। नवाबों की छिनती सत्ता, नवाब की बात करेंगे। आपको बता था कि जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होता है, उत्तराधिकारी कमजोर होते हैं, तो अवध, हैदराबाद इत्यादि जो राज्य है, अवध, हैदराबाद और एक राज्य कमेंट करके बताइए आप, बंगाल, ये जो क्षेत्र है, और भी राजपूत जो लोग थे जिनको वतन जागीरें मिली हुई थी, वो भी स्वतंत्र हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करते हैं, जो अंग्रेजों के, जो औरंगजेब के शासन से विरोध करे, जैसे मराठा, मराठा, इसके बारे में जानेंगे। फिर आप मराठा के साथ साथ जाटों का भी आपके बारे में, आपको मैंने जाटों के बारे में पढ़ाया था। तो ये सब जो क्षेत्र हैं, ये स्वतंत्र हो गए हैं, अपने अपने अपनी शक्ति स्थापित कर चुके हैं और मुगल से स्वतंत्र व्यवहार करने लगेंगे। हाँ, ये जरूर है कि उनको मानेंगे जरूर कि हाँ, ये हमारे हम उनको राजस्व का एक स्रोत बेचते चले जाएंगे, केंद्र से उनका हम शासन मारेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए स्वतंत्र रूप से बिहेव करने लगते हैं। उन्हीं नवाबों की बात की जा रही है। अब 1857 की क्रांति के उपभोग देखेंगे, इन्हीं नवाबों को असंतुष्ट किया जाता है, इन पर अतिक्रमण किया जाता है, इसके कारण ये नाखुश होते हैं, जनता नाखुश होती है, और सभी मिल के एक प्रकार से क्या करते हैं, अंग्रेज का विरोध करते हैं, और उसी का जो चिंगारी जो है, जो इनका संतोष की जो भावना है, उसकी चिंगारी बनती है, उसका ढेर लगा हुआ बारूद का, और चिंगारी का काम करता है 1857 की क्रांति। तत्कालीन कारण के रूप में आपने सैनिक विद्रोह को पढ़ा है, आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आखिर नवाबों की सत्ता क्यों छीन जाती है और नवाब कहाँ से आए थे, उसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। रेजिडेंट से यहाँ अर्थ है कि जिन दरबार में यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था, रेजिडेंट के तौर पर अंग्रेज क्या करते थे, अपने सैनिक की टुकड़ी इनके यहाँ छावनी के रूप में, इनके साथ जहाँ से शासन करते थे उस केंद्र में सैनिक की टुकड़ी रखनी पड़ती थी, इसका खर्च पूरा नवाब को वहन करना होता था, और रेजिडेंट जो है उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर स्थापित होते थे। लेकिन रेजिडेंट जो है गुप्त सूचनाएं भी देते थे, राजमहल में क्या क्या क्रियाएं चल रही है, क्या कार्यवाही हो रही है, क्या गतिविधियां है, क्या गतिविधियां अपने सिख मतलब ब्रिटिश कंपनी के लिए तो घातक नहीं है, इस प्रकार रेजिडेंट के माध्यम से ये काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो रेजिडेंट से आप ध्यान रखिएगा कि वहां पर ब्रिटिश दरबार में दरबार जो है, जो जिनको जिनके तहत क्या होते हैं, ब्रिटिश कंपनी जो है उनके अधीन एक रेजिडेंट तैनात कर देती है, ताकि उनके शासकीय कार्यों पर, उनके क्रियाकलापों पर, उनके प्रशासनिक कार्यों का की खबर उनको होते रहे, तो इसलिए वो रेजिडेंट तैयार करते हैं। फिर आप देखिएगा, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। मैंने बताया था कि व्यावसायिक चरण में इनका उद्देश्य, इनका मूल उद्देश्य क्या है, अधिकाधिक राजस्व का दोहन करेंगे और उसको व्यापार व्यवसाय में निवेश करने के, इनकी शुरुआत में इनका ये रहता है। जैसे जैसे पूंजीवादी चरण आता है, औद्योगिक क्रांति होती है ब्रिटेन में और कच्चे माल की जरूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना शुरू करते हैं, बहुत सारी नीतियां रहते हैं, घेरे की नीति बनाते हैं, उसके अलावे और भी बहुत सारा उसके अलावा ये काम करते हैं। जैसे क्या करते हैं, आपको ही पता होगा कि सहायक संधि लेके आते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों पर इनको अस्थायी रूप से ही अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, ताकि इनका जो उत्पादन हो रहा है ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटेन में जो उत्पादन हो रहा है, औद्योगिक क्रांति से जिनको उपज हो रही है, इनको कच्चे माल की जरूरत को पूरा करना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में कब्जा करेंगे तब कच्चे माल की पूर्ति होगी, ये ब्रिटेन को निर्यात कर पाएंगे और तैयार माल उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, अधिकतम लोगों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, ये इसी क्रम में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मी अगर चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी माने, आप ये जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि एक नीति उन्होंने बनाई थी और व्यक्तिगत जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, मतलब व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसके तहत क्या होता था कि जिन उस वक्त जो जिन भी नवाबों या शासकों के पुत्र नहीं होते थे, तो ऐसा कंपनी ये नियम बना चुकी थी कि जिनको उत्तराधिकारी नहीं है, जिनको मतलब जिसको बोलाता है प्राकृतिक रूप से जो उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब बच्चे नहीं हो रहे, तो गोद लिए हुए बच्चे को वो राजा नहीं बनाएंगे, उत्तराधिकार नहीं देंगे, और उस उन क्षेत्रों को ब्रिटिश के अंदर में ले लिया जाएगा, ब्रिटिश कंपनी हस्तगत कर लेगी, ब्रिटिश शासक उसके उसको अपने अंतर्गत ले ली इंक्रोच कर लेगी। तो ये जो है नियम बहुत ही खराब था उस वक्त। बहुत सारे ऐसे दुर्भाग्य से देखिए कि ऐसे बहुत सारे शासक थे जिनको नेचुरल उत्तराधिकार, प्राकृतिक अधिकार उत्तराधिकार उनको नहीं हो रहे थे, उनके बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थे, ऐसे नियम इसलिए जानबूझ के बनाया ब्रिटिश द्वारा
ताकि ये जो है एक बहाना मिल जाए उन क्षेत्रों को अपने अंदर करने का, डायरेक्शन लेने का। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिताजी को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। देखिए, पहली गलती तो इन्होंने यहाँ पर कर दी कि शुरुआत में इन्होंने जैसे ही शासन स्थापित करना सुना इनको घमंड हो गया, और ये इन तमाम नवाबों को, शासकों को, ये कहीं ना कहीं उनके भावना को ठेस पहुंचा रहा है, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। आप जानते हैं कि अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी, बाद में माना गया या आरोप लगाया कि कुशासन के आधार पर कि अवध की जनता का, अवध के जो बादशाह है, जो नवाब है, वो उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो कुशासन के आधार पर अंत में अवध को उन्होंने हस्तगत कर लिया था, ये आप जानते हैं। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 56 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी जनरल गवर्नर जनरल डलहौजी हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है उस क्षेत्र को अपने हस्तगत, अपने अपने अधीन लेना, ताकि ये व्यापार व्यवसाय के समान वहाँ पर जाकर नियंत्रण कर सके और ब्रिटिश कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके। लेकिन क्या करेंगे, बहाना के रूप में कहेंगे कि वहाँ का जो शासक है, जो वहाँ शासन कर रहे हैं जो नवाब, वो सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, तो जनता की भलाई के लिए हम उसको अपने अधीन ले रहे हैं। तो ये बहुत तरह के बहाने बनाएंगे। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। मतलब सत्ता का जो केंद्र था, जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे जनता, उनको भी उन्होंने ये 1849 में गवर्नर डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि उनको भी वहां से हटा दिया जाएगा, उनको भी लाल किले से हटा के कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। ये भी देखिए, उनके मतलब उत्तराधिकारी को नियम नहीं मिलेंगे, उत्तराधिकारी जो है राजा नहीं बन सकते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। देखिए, तो इस तरह कंपनी के जो भी गवर्नर है वो क्या कर रहे हैं, पूंजीवादी चरण के नशे में चूर है, और वो अपने विकास के लिए, अपने विकास के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय शासकों को, यहाँ के बादशाह को कहीं ना कहीं नियम में बांध रहे हैं कि इन नियमों के द्वारा कहीं ना कहीं उनको अपने क्षेत्र में ले लिया जाए, अपने हस्तगत कर लिया जाए, उनके अधिकारों को, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। तो ये जो सारी जो चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय लोगों को तो प्रभावित कर ही रही है, जनता भी दुखी है क्योंकि उसके बादशाह के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। दूसरा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, इन अंग्रेजों की नीतियों से, जिनकी बुराइयों की नीतियां है, इनकी आर्थिक नीतियां है, इनके सामाजिक नीतियां है, कल्चर में बार बार, सांस्कृतिक कल्चर में, धर्म में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, करना कर रहे हैं, तो उनसे प्रभावित हो रहे हैं, उनसे नाखुश है, और यही सब जो कारण है कहीं ना कहीं एक मानसिक तोष के रूप में असंतोष जो है जब ज्यादा बढ़ जाती है तो ये सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लेती है 1857 के क्रांति रूप में। अब बात करेंगे किसान और सिपाही की। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए गए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमाने जमीनें हाथ से निकल जो पीढ़ियों से पुरानी जमीन हाथ से निकलती है। आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि जब बुढ़ापे की दर बहुत ज्यादा होती है और जब जमींदार लोग भी शोषण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जमींदारों जो कहीं कहीं तो जमींदारों की भी जमींदारी छीन रही है। कहीं कहीं क्या हो रहा है कि जो जो भी गरीब किसान है वो अपनी जमीन को बेच देते हैं, क्योंकि उनको राजस्व चुकाना, राजस्व चुकाते हैं, साहूकारों से कर्ज लेकर चुकाते हैं, महाजनों से कर्ज लेकर चुकाते हैं। इस प्रकार उनकी जमीन जो है, जो पुरखों की जमीन है, वो कहीं ना कहीं बेची जा रही है, विक्रय हो जा रही है, इनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। इसके कारण क्या करें, इनमें भी असंतोष की भावना है और ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो प्राकृतिक अधिकार थे, हमारे जो पुश्तैनी जमीनें थी, कहीं ना कहीं दूसरे के हाथों में चली जा रही है। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। अब देखिए, सिपाही लोग भी, यहाँ किसान तो एक कारण से परेशान है, यहाँ सेना भी परेशान है, क्योंकि ब्रिटिश सैनिक के अंतर्गत उनकी सुविधाएं ज्यादा है, इनकी सुविधाएं बहुत कम होती थी। इन पर तरह तरह के शर्त लगाए जाते थे, भत्तों में कमी थी, उनके वेतन कम थे और किसी भी तरह इनको काम करना पड़ रहा था। तो ये बहुत सारे तमाम वजह है जिसके कारण सिपाही भी असंतोष से ग्रसित है और उन्होंने इस विद्रोह में अपने आप को शामिल कर लिया था। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। कि आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसी मान्यताएं थी कि समुद्र पार करने से उनकी जाति और धर्म जो है दोनों खत्म हो जाएंगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि
अगर कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति कंपनी के सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था। मैंने बताया कि धार्मिक कारणों से, धार्मिक मान्यताओं के कारण ये जो सिपाही हैं वो समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम स्थल मार्ग से जाएंगे लेकिन समुद्र मार्ग से हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा धर्म और जाति नष्ट हो जाएगा। लेकिन 1856 में कानून आया गया, सिपाही कानून, उसमें ये शर्त लगा दी गई कि आपको मानना पड़ेगा नियम, तभी आप नौकरी में रहेंगे, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, सिपाही गांवों के हालात से परेशान थे, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, मतलब वर्दी में किसान जिसको बोलते हैं वो थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि उनके पिता किसान है, कृषक है, और सिपाही जो है वर्दी में खड़ा है, लेकिन उनको गाँव की खबर मिलती थी, गाँव में अंग्रेज द्वारा ये किया जा रहा है, उससे भी वो बहुत ज्यादा दुखी थे और एक तरह से अपने वेतन भत्ते को लेकर परेशान थे, नए नए नियम से परेशान थे, और ग्रामीण क्षेत्र में उनके माता पिता जो दुखी दुखी हैं उनसे परेशान थे। तो एक प्रकार का संचित जो इनके मन में संचित जो असंतोष की भावना है वो 1857 क्रांति में इनको शामिल होने के लिए विवश कर देता है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सुधारों की प्रक्रिया, संस्कृति की बात करेंगे। अब सुधारों की प्रक्रिया के तहत क्या हो रहा है देख ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति, इसको ध्यान देना, अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब लालच दे रहे हैं कि ईसाई धर्म आप अपना रहे हैं तब भी आपकी जो जमीन है उस पर आपका पहले के जैसा ही अधिकार रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, ऐसा वो मान रहे हैं। ऐसा मान नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को खुलकर भारत में छूट दे दी गई कि आप धर्म प्रचार कीजिए, नए नए नियम बनाए गए, चाहे ईसाई धर्म का प्रमोशन ही कर रहे हैं कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो ईसाई धर्म को अपना ले, भारतीय जो लोग हैं ईसाई बन जाए ताकि अपने जो कल्चर, अपनी संस्कृति यहाँ पर थोपी जाएगी, तो अपने वस्त्र ज्यादा, अपने मतलब जो भी इनके उत्पाद है इनके बीच प्रचलित होंगे, लोकप्रिय होंगे और इनको मुनाफा होगा। तो एक तरह से संस्कृति को भी किसी न किसी कारण से अपने भ्रष्ट करना चाहते हैं, अपने अधीन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों, उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, ये हम अगली, अभी तो हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, 8 में उसकी चर्चा की जाएगी। यहाँ देखिए एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये उत्तर भारत में बाजारों में सिपाही खपड़े और पाव फैलाते हुए, यहाँ देखिए ये मार्केट में एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस गढ़ के बारे में, तरह तरह की बात कर रहे हैं कि गन आपको बताएंगे। 1857 के तत्कालीन कारण जो सिपाही विद्रोह होता है तो उसमें एक बंदूक को लेकर होता है कि एक ऐसा राइफल है जिसको कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता है, दांत से खींचना पड़ता है, उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगाई गई जो मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों के लिए बहुत ही क्या होता है, बहुत ही वो उनका सेंसिटिव है, वो बहुत ही गलत मानते हैं कि ये जो चीज है बहुत ही गलत है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो काम हो रहे हैं इसको लेकर भी असंतोष की भावना उनमें है। तो आपको ये भी मैं बता दूं कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो तमाम चीजें यहाँ पर हो रही हैं, इन तमाम चीजों का कुछ ना कुछ यहाँ पर कारण जरूर है जिसके कारण असंतोष की भावना उनमें बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है, आप एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जब तक अंग्रेज नहीं थे या अंग्रेज जब तक नहीं आए हुए थे तब तक इनकी रीति रिवाज क्या अच्छी तरीके से चल रही थी, ये धर्म को अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे, अच्छी तरह से मान रहे थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज लोग यहाँ आते हैं इनके धार्मिक क्रियाकलापों में क्या होते हैं आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन होते थे। आपको ये भी मैंने बताया था कि आदिवासी समाज में भी जो जो इनके प्राकृतिक अधिकार थे उनका भी हनन हुआ। तो एक तरफ आदिवासी लोग जो बहुत ज्यादा परेशान है इनके अंग्रेजों की नीतियों से, दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि आदिवासी ही नहीं, यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आदिवासी समाज के साथ साथ यहाँ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों से बहुत परेशान है, उनकी नीतियों से परेशान है, और अंग्रेज जो है वो अपने 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 उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने 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 साम्राज्य को ज्यादा फैलाने के लिए, अपने पूंजीवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कहीं ना कहीं भारतीय क्षेत्रों में, भारतीय शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बदलाव करने की मांग पर अड़े हुए हैं, और वो ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते हैं जिससे उनको कहीं ना कहीं हानि उठाना पड़े। तो आप ये ध्यान पर देखेंगे सुधार की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, सुधार की प्रक्रिया भी अंग्रेजों के हिसाब से अपनाई जा रही है, ना कि भारतीय भारतीय लोगों के हिसाब से अपनाई जा रही है। तो यही सब कुछ ऐसी सामाजिक, आप बात करेंगे समाज और संस्कृति में जो हस्तक्षेप है अंग्रेजों का, ये भी एक कारण है 1857 की क्रांति को क्या करने में, ज्यादा एक ये रूप देने में, विशद रूप देने में। अब जनता की नजर से आप देखिए कि जनता उस वक्त क्या चाहती है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना, उस जमाने में लोग अंग्रेज
शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप एक और दो, ये श्रुत मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा आपको उस समय की जो सोच है, क्या आम नागरिक क्या सोचते हैं अंग्रेजों के बारे में, उसके बारे में आपको पता चलेगा। 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के गाँव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश में दिए गए, जो मराठी भाषा में होगा। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। आप देखिए, ये गए थे कहीं एक कुछ भी यज्ञ करने जा रहे थे मथुरा में, लेकिन उनको सिपाहियों ने बताया कि आप बेकार आ रहे हैं, क्योंकि कोहराम मचने वाला, मतलब ये प्लानिंग बना चुके थे सिपाही लोग कि हम विद्रोह करेंगे, तो ये उनको बता रहे हैं। अब यह क्या बता रहे, देखिए, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपने राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीखें तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। उस समय का एक जो है विष्णु भट्ट गोडसे जो है माझा प्रवास में पृष्ठ 23 और 24 में इन्होंने इसका वर्णन किया है। इससे पता चल रहा है कि जनता जो है बगावत करने के लिए अब तैयार हो चुकी है। अब स्रोत दो पढ़िए। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। संस्मरण मतलब खुद से लिखी हुई चीजें होती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी, देखिए वहाँ एक बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्हें 48 साल तक नौकरी की और 1860 में जब सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हो गए, उन्हें बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोह के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अब सोचिए कि एक व्यक्ति जो निष्ठावान है अंग्रेजों के प्रति, उनके पुत्र को उनके सामने मार दिया गया। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। अब देखिए सीताराम पांडे क्या कह रहे हैं। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब अब्दुली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। सीताराम थोड़ा फेवरेल चीज लिख रहे हैं और सीताराम पांडे ने क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजों खुद उनको अंग्रेज प्रेरित करा था, ये मान के चल सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा उनको लिखने के लिए प्रेरित किया गया। वो एक सीन देखिए, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ये जो है जब मेरठ छावनी में जब विद्रोह की शुरुआत होती है उस समय का ये है, उस समय की ये पिक्चर है। आप देखिए यहाँ पर अब स्रोतों का शेष जो हमने पढ़ा, संयोग इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नया राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। मरीजेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे कि जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही अपने ही गुस्से में थे, पहले से गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना है यह बेचैनी जो उन्हें उन्हें भी साफ दिखाई दे रही है इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्हें मुझे घर चलाने का हिदायत दी। सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। अब देखिए सीताराम पांडे ने यह वर्णन किया कि उस समय जो विद्रोह की जो संभावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो बताया गया कि जो जब रिटायर होते हैं तो उन्होंने एक कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, और उसमें जो क्या है कर्नल साहब बोलते हैं कि आप लिखिए, तो उसमें क्या करते हैं कि वो अपनी भाषा में लिखते हैं और कारतूस वाली जो बात है, जो चाहे वो अफवाह है चाहे सच्चाई है जो भी हो, उसकी चर्चा ये कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर पहले भी अंग्रेज ये मान के चलते हैं कि जो है अफवाह जो है किसी न किसी भारतीयों के द्वारा फैलाया गया था, और ये अफवाह जो है एक तत्कालिक कारण के रूप में 1857 की क्रांति के लिए बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही कारगर सिद्ध हुई थी। अब देखिए सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, कारण इसका क्या है।
सैनिक विद्रोह से मतलब क्या है, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों को हुक्माने से इनकार कर देते हैं तो उसको सैनिक विद्रोह की संख्या दी जाती है। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उनका शत्रु एक है, मतलब ब्रिटिश कंपनी, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमी और यानी आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ता है। मतलब एक तो आपको आपको मन में ये भावना होनी चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। संचार के माध्यम से आप दूर दूर सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो लोग हैं उन तक आप खबर पहुंचाएंगे और पहलकदमी करेंगे, मतलब एक दूसरे का साथ लेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, तभी कोई क्रांति सफल हो पाती है। इसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवर के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर असंख्य लोग जो है विद्रोही हो गए और 19वीं सदी में उपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ दुनिया भर में पहला सशस्त्र संघर्ष इसको माना जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ एक फिगर देख लीजिए, यहाँ पर कैवली लाइन में युद्ध है, वहां पर सैनिक घुड़सवारी जो रहते हैं वहां पर युद्ध की फिगर है। 3 जुलाई 1857 को 3,000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली पहुंचे, यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। ब्रिटिश कैंपों पर हमला करके ब्रिटिश सैनिकों को मार रहे हैं। ये मंगल पांडे हैं, इनकी स्मृति में यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया है, उनको दिखाया गया है। तो यदि मंगल पांडे ही पहले सैनिक विद्रोही के जो नेतृत्व करता थे यही थी। अब मेरठ से दिल्ली की हम चर्चा करेंगे। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। आप देखिएगा कि 29 मार्च से लेकर 9 मई तक आप देख रहे हैं कि ये घटनाएं हो रही है। मतलब अभी भी ये नहीं तय है कि लेकिन यहाँ पर देखिए क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां पर बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया, जो इनको 10 साल की सजा दी गई थी। उन्होंने अंग्रेज अफसर पर हमला करके उन्हें मार गिराया, उन्हें बंदूक हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारतों संपत्तियों को आपके हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों, मतलब यहाँ अंग्रेजों की बात की जा रही है, के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। अब यहाँ देखिए कि ये भी प्लान बना चुके थे कि जब अंग्रेजों को फिरंगियों को भगा दिया जाएगा तो देश का जो शासन है फिर से मुगल बादशाह के अधीन कर दी जाएगी, वो उनको संभाल पाएंगे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गए। मतलब सुबह सुबह एकदम जब अंधेरा होता है तभी तक वो कहाँ पहुंच गई, मेरठ पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए, देशी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए, वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार, अब बताइए है कि नहीं, तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास उतने संसाधन नहीं है जो ब्रिटिश जो है ब्रिटिश कंपनी के पास जो तकनीक है वो तकनीक इनके पास नहीं है, उनसे नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे, आखिर क्या वे जबरन माहौल में घुस गए और उन्होंने बहादुर जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों ने पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य की ही शासन थी। आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का के ही जो है क्षेत्र पर अंग्रेजों ने बाद में अपने सत्ता को काबिज किया था। तो मुगल बादशाह के बारे में आपने पढ़ा होगा, मुगल काल के बारे में आपको पढ़ाया गया था। अंतिम जो यहाँ पर बहादुर शाह जफर का एक पिक्चर दिया गया, इसको देखिए, ये बूढ़े थे लेकिन फिर उन्होंने अंग्रेजों ने इनको सिपाहियों ने जब बहुत मनाया तो सिपाही की बात मान गए और कहा कि हम भी शासन का नेतृत्व करेंगे, हम क्रांति का नेतृत्व करने को तैयार है। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चला लेंगे।
मतलब वहाँ के जो प्रांतीय शासक है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता कायम कर ली थी लेकिन मुगलों मुगल के अधीन से बादशाह को बादशाह मानते थे, उनकी भी इच्छा थी कि अगर फिर से शासन अंग्रेजों को भगाया गया और शासन स्थापित किया गया तो कम से कम अंग्रेजों को मुझे कर तो नहीं देना पड़ेगा, अंग्रेजों के अधीन तो काम नहीं करना पड़ेगा, उनके एजेंट को तो नहीं रखना पड़ेगा, उनका कर तो नहीं देना पड़ेगा, हम स्वतंत्र रूप से शासन कर पाएंगे। तो उनकी भी दिली ख्वाहिश ये थी, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। अंग्रेज इसको ज्यादा ध्यान नहीं था, अंग्रेज मानना है कि ये कारतूस वाली अफवाह है, वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, कभी न कहीं अफवाह जो शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है, मतलब नेतृत्वकर्ता अगर मिल जाए किसी युद्ध का तो युद्ध जो है सफल सफल जीता सकता है। आपको पता होगा कि जैसे ही आपने एक और कहानी सुनी हुई कि युद्ध के नेता के रूप में जब इंद्र ने अब वो सेनापति अपने आप को घोषित किया कि हम युद्ध करेंगे तो उनकी जीत होने लगी थी। मैं दशरथ जी की बात कर रहा हूँ, तो आप इसके बारे में जानते हैं कि हाँ, युद्ध का अगर लीडर मिल गया, नेतृत्वकर्ता मिल गया बहादुर जफर, तो लोगों में उनके सेनाओं में संचार की भावना हुई, उनमें क्या हुआ एक नई नवीन ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने युद्ध के लिए अपने आप को पूरी तरह से क्या किया प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया। इससे आगे बढ़ने की हिम्मत उम्मीद और विश्वास मिलता है, मतलब कॉन्फिडेंस आया कि हमारे साथ अब जफर बहादुर शाह जफर साहब है तो हम ये युद्ध कर सकते हैं। बगावत फैलने लगी। अब आगे देखिए, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। मतलब जब तक संपर्क नहीं साधा गया तब तक 2-3 दिन तक मामला शांत रहा, लेकिन जैसे ही संचार के माध्यम मतलब घोड़ों से या सुबह जो एकदम अंधेरे में ही लोग पहुंच पहुंच के एक से दूसरे क्षेत्र में क्रांति को फैला रहे थे, क्रांति के बारे में बता रहे थे कि हमें युद्ध करना है, तो जैसे जैसे उन क्षेत्रों में खबर पहुंची देखेंगे वहां के लोग भी सशस्त्र विद्रोह करने लगेंगे। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। यहाँ देखिए रेजिमेंट है, रेजिमेंट मतलब तो जहाँ पर सिपाही की टुकड़ी होती है, वो जो थी रेजिडेंट थी, जो किसी भी शासक जो अंग्रेजों के अधीन काम कर रहे हैं, अंग्रेज ने उनके खर्च पर अपना एक रेजिडेंट नियुक्त किया है, तो दोनों में अंतर है, रेजिमेंट अलग है और रेजिडेंट अलग है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव दत्तक के दत्तक पुत्र जो है नाना साहब कानपुर में इनकी कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है, मतलब बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करना करता माना, बादशाह माना और उसके अधीन क्या माना अपने आप को गवर्नर माना। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे जिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। आप ये देख रहे हैं कि उन्हीं क्षेत्रों में विद्रोह का प्रसार हो रहा है जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने क्या किया था कुशासन के आधार पर या व्यक्तिगत के सिद्धांत पर या सहायक संधि कर करके उन क्षेत्रों को अपने अधीन ले लिया था, उन क्षेत्रों में विद्रोह की जो है बारंबारता आप देख रहे हैं। जैसे जैसे विद्रोह फैला छावनियों में अंग्रेजों अफसरों को मारा जाने लगा। यहाँ देखिए एक पिक्चर है कि छावनी में जा जाकर अंग्रेज अफसर को मारा जाने लगा है। कारण क्या है कि ये जो है पहले से ही अंग्रेजों नीतियों से बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे, इनमें भावना व्याप्त हो गई थी जब तक अंग्रेजों को यहाँ से नहीं भगाया जाएगा हम पहले की तरह नहीं रह पाएंगे, हमारे संस्कृति खत्म हो जाएगी, हमारे धर्म का विनाश हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ये भावना है, उससे अच्छा है कि क्यों ना अंग्रेजों का हम विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दें, उनको देश से भगा दें, यही भावना है और अच्छी भावना है। ब्रिजिश कदर ने भी बहादुर से जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत माँ ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बच्चर का हिस्सा लिया। जब माँ तैयार है तो पुत्र को तैयार होने में क्या जरूरत है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली क्योंकि इनके साथ भी अन्याय हुआ था। उन्हें नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजा अवंतीबाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। आप देखिएगा कि उन तमाम क्षेत्रों में जिनमें ब्रिटिश शासन का नियंत्रण है वहां के स्थानीय शासकों ने, जमींदारों ने जो उनकी नीति से परेशान है, उन सभी ने इस विद्रोह में साथ दिया था कुछ एक को छोड़कर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था क्योंकि मान रहे थे कि जहां जहां सफलता इनको शुरुआती चरण में सफलता मिल रहे हैं, ये अंग्रेजी सैनिकों को मार दे रहे हैं, उनके शस्त्र को लूट रहे, शस्त्रागार को लूट रहे हैं, उनकी नीतियों को उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनसे लोगों में ये मैसेज गया कि हम जीत रहे हैं और ये भावना के साथ ही और भी ऊर्जा के साथ लड़ रहे थे। खास तौर के
से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, यहाँ याद रखिएगा, टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राफ भेजा जिससे उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विद्रोही की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये एक टेलीग्राम भेजा गया कि हमारी हमारी स्थिति ऐसी है। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों में भी इस क्रांति का भय व्याप्त हो चुका है। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द भी खत्म हो जाएगा। देखिए ये भी यहाँ पर काम कर रहा है, लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, धर्म के प्रतीक का सहारा ले रहे हैं, क्रांति का के लिए नए नए नारे गढ़ रहे हैं। इस प्रकार ये जो है एक नवीन ऊर्जा का संचार इनमें हो रहा है और संगठित होकर युद्ध कर रहे हैं। वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान, या ध्यान रखिएगा, बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली को कूच कर लिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह, बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में, कुंवर सिंह का गोदाम, ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। आप देखिए कि उस समय कैसा माहौल रहा होगा, लोग जो है युद्ध में अपने आप को झोंक रहे हैं, युद्ध में अपने आप को शामिल कर रहे हैं और ऐसा मान रहे हैं कि बहुत जल्दी अंग्रेजों का शासन खत्म होने वाला है और हमारा शासन फिर से शुरू होने वाला है। रानी लक्ष्मीबाई का पिक्चर है, यहाँ देखिए ध्यान से। और ये जो है यहाँ पर ये वीर कुंवर सिंह जो है बिहार के जो जमींदार थे, शाहाबाद के जो भी आरा जो है वहाँ इनका जमींदार था। इनके जन्मभूमि के बारे में भी आपको कमेंट कर बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और ये कहाँ पर शासन करते थे। जगदीशपुर का नाम आपने सुना होगा, तो इसके बारे में आपको इनके बारे में जानना है। इनके छोटे भाई भी हैं युद्ध में शामिल और कुंवर सिंह का योगदान क्या है वो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। एक फिगर देखिए यहाँ पर, पिक्चर है, ब्रिटिश टुकड़िया विद्रोहियों पर हमला करती जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं और सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। लाल किला पर भी इनका कब्जा है, सलीमगढ़ किले पर भी इनका कब्जा है। तो ये आप ध्यान दीजिए, लाल किले पर भी इनका कब्जा है और सलीमगढ़ किले दोनों पर इनका कब्जा है। दोनों पिक्चर देखिए यहाँ पर दाएं में आप ये देख रहे हैं। तो आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कब्जा जो किया जा रहा है वो आपको मानना पड़ेगा कि उस समय जो कुछ ही क्षेत्र में, जो सीमित क्षेत्र में जो यहाँ पर विद्रोह हो रहा है, बाद में विद्रोह जो है बहुत बड़ा व्यापक रूप धारण करता है और एक समय तक, मतलब कुछ काल तक इन्होंने विद्रोहियों को, अंग्रेजों को, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, उनको हरा रहे थे, उनके उनके प्रशासन प्रशासनिक जो ढांचा उसको तोड़ रहे थे, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मान रहे थे, उनके धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इस प्रकार ये समय एक बहुत ही ऊर्जा का समय था, ऊर्जावान क्षेत्र था और सभी लोग ये मान के चल रहे थे कि कहीं ना कहीं हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने आप को तैयार कर लेंगे। एक फिगर देखिए, तो अब जो है ये मैंने अब अध्याय थोड़ा आपको ध्यान बता दूं कि ये हम पार्ट वन के रूप में इसको कवर कर रहे हैं। पार्ट वन जो है अध्याय चार का, अध्याय पांच का पार्ट वन मैंने कवर किया था और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आपको पता है, हमने ब्रिटिश कंपनी की नीतियों के बारे में इससे पहले पढ़ा था और ब्रिटिश कंपनी की नीतियां जो है वो किस प्रकार, उनकी जो राजनीतिक नीतियां है, सामाजिक नीतियां है, आर्थिक नीतियां है, सांस्कृतिक नीतियां है, धार्मिक नीतियां है, ये सभी नीतियां हैं वो किस प्रकार भारतीय समाज के लोगों को प्रभाव कर रही है। यहाँ नहीं किसान ही नहीं, किसान, व्यापारी, जमींदार और यहाँ तक कि सैनिक, सैनिक की जो नीति है वो भी किस प्रकार इन लोगों को ये तबाह कर रही है और ये मान के चलते हैं कि हमारे धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, हमें ईसाई बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र, हमारे ही मातृभूमि पर शासन करके हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ये जो भावना है यही भावना 1857 की क्रांति के रूप में एक बार, पहली बार आप देखेंगे इसको, महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयास से इसको पहली स्वतंत्रता संग्राम का हम वो नाम देते हैं। इस पर बहुत डिबेट है, मैं बताऊंगा आगे बताऊंगा कि आखिर आप इनका नाम जरूर सुने होंगे कि बीडी सावरकर ने इसको पहली क्रांति के नाम दी थी, कि यह था स्वतंत्रता, पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम, पहले क्रांति की संज्ञा दी। इससे पहले बहुत लोगों ने इसको प्रकटाक्ष अंग्रेजों ने तो माना ही नहीं, क्योंकि मानते ही नहीं थे, उन्होंने माना कि बस सैनिक असंतोष के कारण ही हुआ था या कुछ क्षेत्रों में असंतोष का परिणाम था, लेकिन आपको अंततः इन पर मानना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं इस चैप्टर में हमने यही समझा कि ब्रिटिश जो नीतियां है वो राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, आर्थिक क्षेत्र का भी उनका क्रियाकलाप जो है वो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। आप देखेंगे सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार वो कर रहे हैं, समाज सुधार के माध्यम से सती प्रथा इत्यादि को खत्म करना चाहते हैं, इनका भी विरोध कर रहे हैं, मान के चलते हैं स्थानीय लोग भारतीय कि हमारे धार्मिक आस्था को चोट पहुंचा रहा है, मान्यताओं के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। और जब इन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में व्यापार करने की छूट कर दी, भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी और इतना कह दिया, नियम बना लिया कि जो भी ईसाई धर्म को ग्रहण करेंगे उनकी जो पुस्तैनी जो संपत्ति पर अधिकार है वो बना रहेगा, तो ये लोग मान के चल रहे हैं कि ये हमारे साथ कुछ ना कुछ धोखा होने वाला है। समुद्र पार जाके युद्ध करने की जो नीति बनाते हैं इससे सैनिक में विद्रोह हो जाता है। अब जानते हैं कि हर एक जो सिपाही है वर्दी में किसान है,
कि किसान परिवार तो उनके गांव में है, ग्रामीण क्षेत्र में उनके माता पिता जो है किसान है, माता खासकर पिता उनके पुरखे जो है किसान है, और वो क्या है वर्दी पहन के किसान के पुत्र के रूप में ही सैनिक है। तो जब उन पर प्रभाव पड़ेगा, किसानों के साथ अत्याचार होगा, तो उनकी खबर उन तक पहुंचेगी और वो मान के चलेंगे कि हमारे हमारे माता पिता के साथ सही नहीं हो रहा है। तो इनके मन में भी ये दशा आएगी कि कहीं ना कहीं हमारा शोषण कर रहे हैं, और इस सभी संगठितों का एक समय आएगा जब युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। 1857 के क्रांति के रूप में हम इसको देख पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये सेशन हमें पार्ट वन में कवर करना है, इसका बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो पार्ट टू में आपको बताएंगे। इससे आपको पहले बता दूं, इस चैप्टर में भी अगर आपको समझ में नहीं आता ऐसा, मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपको पढ़ाया है, बेसिक्स आपके क्लियर है, और मान के चलता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चयन ग्राइस का जो ध्येय वाक्य इसको मत भूलिए, इतना हमारा ध्येय वाक्य जो है चयन तक चयन नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ कि जब तक आप चयनित नहीं हो जाएंगे, आधिकारिक रूप में चयनित नहीं हो जाएंगे, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, और हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आप कम से कम जो वीडियोज आ रहे हैं उसको देखिए, पिछले वीडियो प्रीवियस वीडियो को भी देखते रहिए, लेक्चर्स को देखते रहिए, उस पर थोड़ा चिंतन मनन करते रहिए, प्रश्न बनाते रहिए, जो भी फैक्ट्स है जो काम के हैं उसको आप बनाते रहिए और देखते रहिए आप बार बार, चूंकि आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ दोस्तों, अभी भी जिन्होंने चैन ग्राइस को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैन ग्राइस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक जरूर शेयर कीजिए। आप विभिन्न सोशल साइट्स जो आप चलाते हैं, मनोरंजन ग्रुप में चलाना भी चाहिए, मैं भी चलाता हूँ, तो उसका प्रयोग कीजिए, इनका लिंक शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, उन लोगों तक जो एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहते हैं इस डिजिटल फॉर्म में, उनको आप जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी एनसीईआरटी को पढ़ सके। घर पर बैठिए, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, घर पर बैठिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन मोड से ये क्लास करते रहिए। इसी के साथ मैं अलविदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।